अ गोल्डन वीक ऑल ओवर। गोल्ड में हिस्टोरिक तेजी के इस हफ्ते में लगभग हर जगह ही बाजार में नई नई ऊंचाइयां बनती दिखीं। इक्विटी मार्केट में सारे इंडेक्सेस अपनी नई ऊंचाई देखते रहे और इनफैक्ट बीएससी का मार्केट कैप 400 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया, जो कि देश की जीडीपी से कहीं ज़्यादा है। तो आइए मार्केट रैप में जान लेते हैं बीते हफ्ते के ट्रिगर्स और अगले हफ्ते का आउटलुक। बीते हफ्ते सेंसेक्स ने 75,000 तो निफ्टी ने 22,700 का लेवल टच किया पहली बार, और गोल्ड में खरीदारी के चलते इक्विटी मार्केट में भी निवेशक पॉजिटिव बने हुए हैं। यूएस मार्केट में गिरावट आई थी मिड वीक, लेकिन फिर रिकवरी भी देखने को मिली, हालांकि महंगाई के आंकड़ों ने बाजार को थोड़ा हिला दिया। अमेरिका में मार्च का इन्फ्लेशन डेटा आया है जो अनुमान से ज्यादा था और 11 महीने के हाई पर पहुंचा है, और महंगाई में उछाल से 10 साल की यूएस बॉन्ड यील्ड 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। डॉलर इंडेक्स 105 के पार चल रहा है, क्रूड $90 के ऊपर है। फेड मिनट्स भी रिलीज हुए हैं लास्ट वीक, जिसमें हॉकिश कमेंट्री आई है। अब जून में रेट कटौती की उम्मीद और धीमी पड़ती जा रही है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। दुनिया भर में गोल्ड में बाइंग तेज है और सेंट्रल बैंक्स भी बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड खरीद रहे हैं, और इस ट्रेंड को देखकर एक्सपर्ट्स हैरान हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंकों की ओर से रेट कट की उम्मीद पर गोल्ड की ओर निवेशकों का रुख बढ़ रहा है और इससे कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। घरेलू बाजार में सोना 72,650 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 84,100 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड लेवल को टच कर चुकी है। कॉमेक्स पर गोल्ड $2,300 प्रति औंस के ऊपर चल रहा है। अब अगले हफ्ते गोल्ड बड़ा फैक्टर बना रहेगा, साथ ही क्रूड बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जैसे बड़े फैक्टर्स रहेंगे बाजार के लिए। इसके अलावा हफ्ते के अंत में आए महंगाई के आंकड़ों का भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते बाजार में। रेट कट पर यहां भी कुछ सिचुएशन क्लियर होगी। इसके साथ ही आरबीआई एमपीसी के मिनट्स भी आएंगे, तो इससे भी महंगाई की स्थिति और रेट कट पर क्या अप्रोच है एमपीसी का, इस पर खाका बनेगा। आखिर में Q4 के लिए TCS के नतीजों के साथ रिजल्ट्स का सीजन शुरू हो गया है। अगले हफ्ते इंफोसिस, विप्रो, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, बजाज ऑटो, LTI, माइंडट्री जैसी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे, तो यहाँ भी बाजार की नजर बनी रहेगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की खबरों के लिए देखते रहें ZBusiness।